अगर आप इस गाड़ी के फैन थे गाइस तो आप लोगों के लिए मेरे पास आज एक बैड न्यूज़ है महिंद्रा अल्टूरस जी फोर विल बी डिसकंटिन्यूड नेक्स्ट ईयर वो क्यों मैं आपको आगे जाके बताता हूँ जय हिंद दोस्तों मेरा नाम है डेनिस और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल की नई सीरीज और चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं ये न्यूज सुन के मुझे भी एक टाइप से शक लगा था बिकॉज इट इज एन अमेजिंग व्हीकल मैं इसमें एक में बैठा भी हूँ एंड इट फील्स वेरी प्रीमियम बाय सिटिंग इनसाइड और ओवरऑल इसकी स्टैंप्स भी बहुत अच्छा लगता है व्हीकल का एंड इट राइवल्स फॉर डिडर टेट आ फॉर्च्यूनर एंड इवन द एम जी क्लास्टर सो बेस इसका जो मेन रीजन है डिसकंटिन्यूएशन का दैट इज द महिंद्रा एंड सैंडिंग स्प्लिट क्योंकि अब दोनों कंपनी स्प्लिट कर रही हैं एक दूसरे से बिकॉज नाउ महिंद्रा इज मोर फोकस्ड विद देअर पार्टनरशिप विद फोर्ड तो अब इन दोनों कंपनीज का स्प्लिट हो रहा है सो दे विल नो लॉन्गर बी एबल टू मेक इट या ब्रिंग इट टू इंडिया क्योंकि ये सीकेडे रूट के थ्रू आती थी व्हीकल और इसमें हमें इंजन भी अच्छा देखने को मिलता था बट स्टिल द पावर वॉज काइंड ऑफ लेस एज कम्पेयर विद द एम जी ग्लोस्टर जो अब बहुत ही ज़्यादा पावर के साथ आती है इन इट्स सेगमेंट सो इसमें जो हमें इंजन मिलता था दैट वॉज अ बी एस सिक्स कंप्लाइन टू पॉइंट टू लीटर डीजल इंजन जो प्रोड्यूस करता था वन हंड्रेड एटी हॉर्स पावर और 420 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क और सेम स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ मेटेड था ये जो एक मर्सिडीज बैन सोर्स है और आपको इसमें टू व्हील ड्राइव एंड फोर व्हील ड्राइव ऑफ कोर्स दोनों देखने को मिलती थी और इसका प्राइस भी बहुत सस्ता था एज कम्पेयर विद इट्स कंपेटिटर्स इसका जो प्राइस था स्टार्टिंग प्राइस दैट वॉज ट्वेंटी एट पॉइंट एक्स शोरूम टॉप वेरिएंट का जो 4x4 ऑटोमेटिक था दैट वाज अराउंड 31.69 लाख एक्सोरूम वेयर एज अगर आप इंडिया व लेने जाते हैं तो दैट वुड कॉस्ट यू 35 टू तो 36 सिक्स लाख एक्स शोरूम फॉर्चूनर भी 36 सिक्स लैक्स तक की पड़ती है एंड ऑल्सो द एम जी ग्लॉस्टर एज वेल वो भी 35 फाइव लैक्स समथिंग की अब होगी है आफ्टर इट्स इंट्रोडक्टरी प्राइस गॉट इंक्रीज बाकी ओवरऑल द वीकल वॉज वेरी गुड और काफ़ी लोगों ने इस कार को पसंद करके खरीदा भी है बट जैसे जैसे कंपेटेटर्स इसके अच्छे अच्छे फीचर्स लाते रहे और ज़्यादा पावर आ गई अब एम जी ग्लॉस्टर में भी सो पीपल आर मोर अट्रैक्टेड टू द अदर ऑप्शन रैदर देन दिस वन और अभी कुछ ही टाइम पहले इसका एक फेस लिफ्टेड वर्जन भी दिखाया गया था फॉर द इंटरनेशनल मार्केट आई होप कि वो इंडिया में लॉन्च होने वाली है अगले साल बट अभी ये सामने न्यूज़ आती है कि महिंद्रा विल नो लॉन्गर सेल द महिंद्रा अल्टूरस और एक और रिपोर्ट है कि बस अब महिंद्रा के पास 500 यूनिट्स बनाने का ही सामान बचा है सो so, जैसे ही 500 यूनिट्स कंप्लीट होंगे वैसे ही ये कार डिसकंटिन्यू कर दी जाएगी सो आई होप गाइजी वीडियो पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी अगर इन्फॉर्मटिव लगी है तो मैं एक दब्सक्राइब बटन साथ नोटिफिकेशन बिल को भी दबा देना ताकि हमारी इस इंटरेस्टिंग वीडियोज में सबसे पहले नोटिफिकेशन पा सके लाइक बटन टिल मै नेक्स्ट वीडियो